CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद नागरिकता के इंतजार में बैठे शरणार्थियों में खुशी का माहौल है। हालांकि CAA से जुड़े कई नियम भी हैं, जिनके तहत नागरिकता हासिल करने की कोशिश कर रहे लोगों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। आइए आपको बताते हैं कि आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन से लोग हैं जो आवेदन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले गौर करते हैं कि किन लोगों को CAA के तहत नागरिकता मिलेगी। ऐसे शरणार्थी जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बस गए हों। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था। भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीजा या फिर इमिग्रेशन स्टैम्प समेत अन्य जानकारियां भी देनी होंगी। अब बताते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे। भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं। शेड्यूल 1B के तहत 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल 1C के तहत शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना होगा। बताना होगा कि वे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं। इसके लिए वहां का पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। आवेदक भारत सरकार की ओर से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जमीनी दस्तावेज, बिजली और पानी के बिल के साथ विवाह प्रमाण पत्र आदि दिखाकर भी नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो क्या करें। फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज का होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उसका कारण बताया जा सकता है। अब बताते हैं कि फॉर्म में आपको क्या क्या भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपने माता पिता या फिर पति का नाम, भारत में कब से रह रहे हैं और कहां रह रहे हैं, कौन से देश से आए हैं और वहां क्या कर रहे थे, इन सभी चीज़ों की जानकारी देनी होगी। आपको ये भी बताना होगा कि भारत आने के बाद आप क्या काम कर रहे हैं और किस धर्म से संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं धारा 6B के तहत नागरिकता के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता। अगर संबंधित शख्स भारतीय मूल का है, संबंधित व्यक्ति का विवाह भारतीय नागरिक से हुआ है, भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान होने पर, माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने पर, वह व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक हो या फिर संबंधित व्यक्ति भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत हो। अब आपको बताते हैं कि आवेदन के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करना जरूरी है। भारतीय नागरिकता पाने के इच्छुक लोगों को आवेदन की तारीख से पहले देश में कम से कम 12 महीने तक रहना अनिवार्य है। यही नहीं, इन 12 महीनों से ठीक पहले 8 वर्षों के दौरान आवेदकों द्वारा देश में कम से कम 6 साल का समय बिताया गया हो। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तभी आवेदन किया जा सकता है। आवेदकों को ये घोषणा पत्र भी देना होगा कि वे मौजूदा नागरिकता को अपरिवर्तनीय रूप से त्याग रहे हैं और भारत को स्थायी घर बनाना चाहते हैं। देशीयकरण द्वारा नागरिकता चाहने वालों को आवेदन में दिए गए बयानों की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा भी जमा कराना होगा। साथ ही आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाले एक भारतीय नागरिक का हलफनामा भी जमा कराना होगा। आवेदक को एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जिसमें बताया गया हो कि वो संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई भाषाओं में से एक का पर्याप्त ज्ञान रखता है। सभी स्वीकृत आवेदकों को निष्ठा की शपथ लेनी होगी कि वे भारत के नागरिक के रूप में कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे और वे ईमानदारी से भारत के कानूनों का पालन करेंगे और कर्तव्यों को पूरा करेंगे। गौरतलब है CAA में किसी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसकी जानकारी देनी होगी। अगर सरकार को ये लगता है कि किसी शख्स को नागरिकता देने से खतरा हो सकता है तो उसका फॉर्म भी कैंसिल किया जा सकता है।